So today we will revise 3D shapes. Okay, first 2D shapes revise करेंगे, फिर 3D shapes हम revise करेंगे. So first हमारा topic है shapes. हमारा topic क्या है? Shapes. Shapes में 2D shapes है और 3D shapes है ना? ऐसे जो plane shapes है, मतलब पतला सा shapes जो है. पतला शेप्स को हम क्या बोलते हैं? 2D शेप्स बोलते हैं. पतला शेप्स को हम क्या बोलते हैं? 2D शेप्स. फ्लैट, पतला, थिन, इसको हम 2D शेप्स बोलते हैं. जैसे कि आपकी रोटी पतला रहती है, रोटी 2D शेप. बॉल कैसा रहता है? मोटा. बॉल कैसे रहता है? मोटा. सो उसको हम क्या बोलते हैं? वो शेप को हम क्या बोलते हैं? 3D शेप बोलते हैं. लेकिन रोटी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं. रोटी का शेप को हम क्या बोलते हैं? सर्कल. लेकिन वही मोटा बॉल, बॉल जो है मोटा होता है, उसका नाम अलग हो जाती है. सो ये 2D शेप्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? 2D शेप्स. सो दीज आर द बेसिक 2D शेप्स. ये बेसिक 2D शेप्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल. इसको हम बोलते हैं सर्कल. इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल. और इसको या इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल. आप लोग ये प्राइमरी में पढ़े होंगे ना, प्री प्राइमरी में आप लोग पढ़े होंगे, है ना? आप लोग मैथ्स में प्री प्राइमरी में ये शेप्स पूरा पड़े होंगे. इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जो चारों तरफ इक्वल है. फोर साइड्स आर इक्वल और इसमें फोर साइड्स होते हैं, है ना? वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड्स, और फोर कॉर्नर्स भी होते हैं. 1, 2, 3, 4 इसको हम कॉर्नर्स होते हैं. ओके, इसमें फोर कॉर्नर्स होते हैं, फोर साइड्स होते हैं. इसको हम स्क्वायर बोलते हैं. स्क्वायर क्यों बोलते हैं? चारों तरफ सभी इक्वल रहते हैं. ये जितना है, ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये होगा, उतना लंबा ये, इसको हम स्क्वायर करते हैं. चलो, आपके घर में स्क्वायर शेप में कौन से चीज है? कोई एग्जांपल बताओगे? स्क्वायर शेप का एग्जांपल बताओगे कोई? स्क्वायर शेप का एग्जांपल अनम्यूट करके बोल सकते हो? स्लेट है आपके पास? स्लेट जो आप लिखते हो, स्लेट, स्लेट का शेप क्या है? स्क्वायर शेप. आप जो लिखते हो स्लेट, वो स्लेट का शेप क्या है? स्क्वायर शेप. ओके, ट्रायंगल ऐसा होता है ना स्लेट. बचपन में आप लोग लिखे नहीं है स्लेट्स पे, लिखे नहीं चौक और स्लेट पे. देखो ये व्हाइट बोर्ड भी स्क्वायर शेप में है. ये व्हाइट बोर्ड कौन सा शेप में है? स्क्वायर शेप. ये व्हाइट बोर्ड ही समझिए, व्हाइट बोर्ड ये है स्क्वायर शेप. ओके, नाउ ट्रायंगल. ट्रायंगल शेप में क्या है? मम्मी पराठा बनाती है तो ट्रायंगल शेप में बनाती है? मेरी मम्मी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ ट्रायंगल शेप का पराठा. बनाती यम भी लगता है ना. सो ट्रायंगल शेप का पराठा कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा बनाती है मम्मी पर ट्रायंगल शेप का पराठा, है ना? इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1, 2, 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं. 1, 2, 3. ओके, 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स. 1, 2, 3. 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स. नाउ ये है सर्कल. सर्कल शेप का रोटी, पिंडा रोटी. ओके, सर्कल शेप. बैंगल, आप जो बैंगल्स पहनते हैं कौन से शेप का होते हैं? सर्कल शेप का होते हैं, है ना? सो इसमें कहीं पे कॉर्नर्स है क्या? नो. सो सर्कल हैज नो कॉर्नर्स. सर्कल में कॉर्नर्स है क्या? नो. सर्कल हैज नो कॉर्नर्स. सर्कल हैज नो कॉर्नर्स. सर्कल हैज नो कॉर्नर्स. तो इसमें कॉर्नर्स नहीं रहते हैं, साइड्स भी नहीं रहते हैं. ओके,
सो इसको हम सर्कल बोलते हैं। एग्जाम्पल है हम जो खाते रोटी और हम पहनते जो बैंगल और वॉल क्लॉक, बहुत सारे घर में वॉल क्लॉक जो है सर्कल शेप में होता है। सो ये पूरा एग्जाम्पल है। रेक्टेंगल ये दिखने में कैसे दिखती है? रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा ही दिख रही है, देखो स्क्वायर जैसा ही दिख रही है, लेकिन ये लंबा स्क्वायर है ना। लंबा स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। स्क्वायर में सारे साइड्स जो है इक्वल रहते हैं, ये सारे साइड्स इसमें समान है लेकिन इसमें इक्वल नहीं रहते है ना। साइड्स जो है अलग अलग लेंथ की है। इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स होते हैं और फोर साइड्स भी होते हैं। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का शेप कौन सा है? रेक्टेंगल शेप में होता है फ्रिज। किसी के घर में सर्कल शेप का फ्रिज है क्या? नो, सर्कल शेप का फ्रिज नहीं, रेक्टेंगल शेप का ही फ्रिज है। वेरी गुड। कंपास बॉक्स, फ्रिज और हमारा जो दरवाजा डोर जो है वो भी रेक्टेंगल शेप में है ना। सो ये है 2D शेप्स। अब मोटे शेप्स में जाएंगे। ये पतला शेप है आपके जैसे, आप लोग पतले 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 हो, खाना नहीं खाते हो सबसे इसलिए। अब मोटे शेप्स में जाएंगे, जैसे मेरे जैसे शेप्स है ना, मैं मोटे हूं ना इसलिए मेरा जैसे शेप्स को ब्लर करें। अब मोटा वाला सर्कल को हम क्या बोलेंगे? जैसे कि बॉल मोटा है, बॉल कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ये शेप को हम क्या बोलते हैं? मोटा वाला सर्कल को हम क्या बोलते हैं? बॉल को हम क्या बोलते हैं? स्पीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीयर। मोटा सर्कल को हम क्या बोलते हैं? स्पीयर। अब आप लोगों के पास ये प्रिज्म तो आप लोग देखे नहीं होंगे, आप लोग बर्थडे कैप पहनते हो ऐसा? बर्थडे कैप पहनते हो? दिखने में ट्रायंगल जैसे दिखती है लेकिन मोटा दिखता है ना। ए शेप को हम क्या बोलते हैं? कोन। ए शेप को हम क्या बोलते हैं? कोन। इसको स्पीयर बोलते हैं और इसको हम कोन बोलते हैं। आपके पास खेलने वाला क्यूब है? खेलने वाला क्यूब है आप लोगों के पास? खेलने वाला क्यूब है आप लोगों के पास? बॉक्स है आप लोगों के पास? स्क्वायर शेप का बॉक्स? शायद आई डिडंट ड्रॉ प्रॉपरली। इसको हम ए शेप को, स्क्वायर शेप, मोटा स्क्वायर शेप को हम क्यूब बोलते हैं। मोटा स्क्वायर शेप को क्या बोलते हैं? क्यूब। नाउ मोटा रेक्टेंगल जैसे कि फ्रिज, ये है मोटा रेक्टेंगल, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। ना और एक शेप बचा है, ऐसा रहता है और इसके ऊपर ऐसा ग्लास देखो ना, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ये पूरा 3D शेप है। ये सभी को हम क्या बोलते हैं? 3D शेप्स। जैसे कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, कौन सा शेप है? सिलेंडर शेप। कौन सा शेप है? सिलेंडर शेप। यहाँ पे मोटा सा रेक्टेंगल, मोटा सा रेक्टेंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। मेरे पास मोटा सा स्क्वायर है,
मेरे पास मोटा स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, और मोटा बॉल जो है, मोटा सा बॉल जो है, ये नहीं आ रही है, मोटा सा बॉल जो है उसको हम बोलते हैं स्पीयर। सो अभी मैं ड्रॉ करूंगी, आप लोग मैच करोगे, आप लोगों को कॉपी मैच करोगे। चलो याद कर लो पहले एक बार, मोटा सा ये जो 3D सर्कल को हम बोलते हैं स्पीयर, इसको कोन बोलते हैं, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं कोन बोलते हैं, और स्क्वायर को हम क्यूब बोलते हैं, रेक्टेंगल को क्यूबॉइड बोलते हैं, और इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। अब मैं इसको ड्रॉइंग करूंगी, आप लोग भी आपके कॉपी में ड्रॉइंग करो, जैसा आप वैसा ड्रॉइंग करो, और आप लोग इसको मैच करो, शेप्स को आप लोगों को कॉपी में मैच करो, क्लास होने के बाद उसका फोटो खींच के कल जैसे पोर्टल में LMS में आप लोग अपलोड किया वैसे आज अपलोड कर, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए, मम्मी को बोलना अपलोड करने के लिए, ठीक है। चलो अभी आप लोग ड्रॉ करो मेरे जैसे, सब लोग रेडी रखो शीट्स, ठीक से लिख नहीं रही है, सब ब्लैक पर शायद, चलो मैं कभी ट्रेन नहीं करती, ड्रॉ दिस 3D शेप्स इन योर बुक, आपके बुक में ये शेप्स को ड्रॉ करो। नीचे ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ दी शेप्स इन योर बुक, आई थिंक इट इज विजिबल, इज इट विजिबल, so draw these pictures in your copy or book, draw these pictures and these names also, and you should match with the correct name, shape ko uske correct name se aapko kya karna hai, match karna hai, okay। मैच करने के बाद फोटो क्लिक करके आप लोग 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक LMS में आप लोग अपलोड कर सकते हो, जैसे कल किए, करने से आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। Draw in your copy and match with correct name, match with correct name, and click the picture. Upload in the LMS portal, LMS app, okay? LMS app में जाना है, exam खोलना है, फिर next button में क्लिक करने से आपको submit करने का ऑप्शन आता है, आप उसमें अपलोड कर सकते हो।
ये एक पेज को आप लोग मैच करो, मैच करने के बाद आप लोग सेम प्रोसेस में जाके उसमें एग्जाम लिखेगा आप लोगों को, उसमें आप लोग स्कोर करो मैथ्स ओके। इज इट विजिबल एवरीवन? आप लोगों से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, ये दिख रहा है कि नहीं? इज इट विजिबल? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई तो हाथ उठाया। तन्मय बंसाली, व्हाट्स योर डाउट? मैं मेरी दीदी का कोचिंग है तो इस टाइम नहीं भेज सकता, 5:30 भेज दूंगा। 5:30 शेड्यूल नहीं है बेटा, शेड्यूल खत्म होने के बाद नहीं कर पाओगे आप। अभी नहीं कर पाओगे क्या? अभी होगी आपका? अभी भी होगा तो भी नहीं होगा, 3 से 4 बजे के अंदर ही आप लोग कर पाओगे, 3 से लेकर 3:30 इसके अंदर ही आप लोग कर पाओगे, आधा घंटा ही टाइम रहता है उसका। दीदी आ जाएगी लेकिन 5:30 बजे वो लिंक नहीं ओपन होगा ना बेटा। मैं शेड्यूल जो करती हूँ सिर्फ आधा घंटा का शेड्यूल रहता है, उसके बीच में ही आप लोग अपलोड कर पाओगे, बाद में वो अवेलेबल नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा उसका टाइम। भेज सकते हैं लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिस कब होगा? फिर आप लोग LMS ऐप पोर्टल में वो LMS ऐप में अपलोड करने का आप लोगों का कब प्रैक्टिस करोगे फिर? सो दीज आर द थिक शेप्स, मतलब मोटा शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं। दीज आर 3D शेप्स एंड हियर आई हैव गिवन द नेम्स लाइक इन अ जंबल्ड वे। यू हैव टू मैच करना है। CUBE इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कौन सा जो शेप है उससे मैच करते हैं। सो ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, कंप्लीट दिस, मैच करो और जो मैंने कल बताया उसमें आप लोग अपलोड कर सकते हैं। हो गया सबका? यस रब्दी, कंप्लीटेड? मैं ना अलग अलग ड्राइंग बनाई हूँ और नाम भी लिख दी हूँ तो अभी मैच नहीं कर पा रही। ठीक है ना, उसका सामने उनका नाम लिखे हो ना, करेक्टली नाम लिखे हो ना, मतलब अभी कौन है तो उसके सामने कौन लिखे हो ना। हाँ ठीक है ना, उसी को भेज देना फोटो खींच के। ओके यस बेटा बोल। अरे जस्ट अभी भेजे।